वेलकम बैक और एक अनदर वाली वीडियो के साथ। मैं हूँ बॉनी और आप सब हो रेनबो बॉनी में। तो सबसे पहले बताओ, आप सब ठीक हो, अच्छे हो? आई होप कि आप ठीक हो, अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ और अच्छी हूँ। तो आज घर का सब पूरा कामकाज हो गया और डेली क्या दिखाओ, वही बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, जो मेड का काम होता था वो सब अब मुझे करना पड़ रहा है। तो बॉस, एक तो अकेले मेरी घर का रिपोर्ट नहीं है, अभी तो पूरा का पूरा सब का एक ही काम है, एक ही रूटिंग है काम के ऊपर, और एक मेड वाला जो काम हम लोगों के ऊपर आया है। तो बस यही से तो बस खुदा ही बचाए हम लोगों को, ना जाने कब ये वायरस जाएगा और ना जाने कब हम लोग फिर से आज़ाद होंगे। तो छोड़ो इसको छोड़ते हुए आप जैसे है जो भी है उसमें ही खुश रहना पड़ेगा। तो चलो, आज मैंने सुबह में उठ के सब काज काम कर लिया। एक रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वो अचार का रेसिपी है। तो चलो फटाफट से किचन में जाती हूँ और वो अचार आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। होममेड वाली अचार, ऐसी कोई चटक पटक सा नहीं। चलो, तो मैं फ्रिज से जलपाई को बाहर निकाल लिया। बंगाल में इसे जलपाई बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ज़रा बताना। तो ये सब जलपाई फ्रेश है, मैं फ्रिज के रखने से पहले धो के साफ करके धूप में सुखा के तब मैं फ्रिज में रखी थी। अब मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी। अभी मैं गैस कुकर लेती हूँ ऑन। उसके बाद जलपाई को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत जल्दी से बॉयल हो जाता है, 2 या 3 मिनट के अंदर ये पूरा बॉयल हो गया, देखो। मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया और यहाँ पे कुछ मसाला लिया है, यहाँ पे धनिया है, काला जीरा, सादा जीरा और कुछ मेथी दाना और कलौंजी है। इन सभी को मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे सब थोड़ी थोड़ी करके लिया है। घर का जो चम्मच होता है, जो स्पून होता है, कोई एक चम्मच करके सब कुछ लिया, सब मसाला लिया। अभी मैं मसाले को फ्राई कर लिया और देखो अच्छे से फ्राई भी हो गया। 2 या 3 मिनट लगता है इसे फ्राई होने में। अभी इस प्लेट में निकाल लूँगी थोड़ा टाइम के लिए, ठंडा के लिए छोड़ दिया मैंने। हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी और यहाँ पे मैं बॉईल किया जलपाई को निकाल लिया मैंने। और इन सभी मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। रेडी हो गया, थोड़ा सा ही हुआ। अभी यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। और इसमें अभी बॉईल किया जलपाई में डाल दिया इसमें।
आप लोग चाहो तो इसमें लहसुन भी दे सकते हो, तो लहसुन का यहाँ पे पसंद नहीं करती हूँ मैं अचार में, तो इसलिए मैंने लहसुन को स्किप कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी चीनी लिया, एक कटोरी नहीं दूंगी मैं, हाफ कटोरी में यहाँ पे दिया हूँ। और देखो थोड़ा सा चीनी बच गया। शुगर जो है वो आपके स्वाद के अनुसार आप चीनी को डालना। और ये जलपाई बहुत ही खट्टा होता है और इसमें चीनी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। अभी मैं इसको ऐसे थोड़ा सा इधर उधर के पका लूँगी। और गैस का फ्लेम मीडियम से लो होना चाहिए। अभी मैं इसमें आधी कटा हुआ नींबू में निचोड़ के दे रही हूँ। इसमें खट्टा मीठा का बैलेंस हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको बस रेडी हो गया। चम्मच से इसको सब कुछ एक बार से मिला लूँगी। और यहाँ पे रेडी किया हुआ जो मसाला था वो मैंने यहाँ पे एक स्पून एक चम्मच दे दिया। सब कुछ मसाले के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। बस और कुछ नहीं करना है। ये चटनी बाचार रेडी हो गया। इसको मैं अब निकाल लूँगी एक बोल में। बहुत ही टेस्टी होता है ये होममेड वाला अचार। इसको आप एक ठंडा करके एक कांच के कांच के जार में आप रख सकते हो। बहुत दिनों तक अच्छा रहता है, एक दो हफ्ते तक तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन हमारा घर में एक दो हफ्ता नहीं जाता, दो तीन दिन में ये अचार ख़त्म हो जाता है। इतना ही अच्छा बनता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए टीवी देखूंगी और उसके बाद जो जो शाम का काम होता है वो काम करूंगी, खाना पक। तो फिलहाल आज के लिए मैं वीडियो करती हूँ एंड, और सभी दोस्तों को करती हूँ प्रणाम। सब अच्छे रहना, खुश रहना, मिलजुल के रहना और मास्क पहनते रहना। तो फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चलती हूँ, टाटा बाय।